गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं सभी स्टूडेंट्स, फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, आज है मंडे 29 ऑफ मई। कल संडे था और कल झारखंड स्पेशल क्लास हुई थी आप लोगों की, अगर आप लोगों ने अटेंड की हो। जिन्होंने नहीं की थी वो कर लीजिएगा, अगर आप झारखंड जेई का एग्जाम दे रहे, ठीक है। चलो भाई, एक दिन का ऑफ होता है तो ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों बाद आज क्लास लगी है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर आगाज करते हैं गाइस और देखते हैं जरा सुबह तक कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, ठीक है। चलो इसी उम्मीद के साथ करते हैं आगाज। सिविल इंजीनियर मैडम, कल का PDF नहीं दिया आपने? अरे बाप रे, इतने सारे लाल मुंह बनाकर भेज दिए हैं क्लास में। ठीक है, क्लास खत्म होते ही हम कल वाला और आज वाला PDF अपलोड कर देंगे। मतलब इतना गुस्सा है कुछ एक दो स्टूडेंट्स में, लग रहा है स्क्रीन से बाहर ना आ जाए कहीं निकल के। चलो हाँ जी, तो इन खूबसूरत से शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। कितनी अच्छी बात है। मुसीबतें तो हर इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन उनसे बाहर कैसे निकलना है, दैट्स आर्ट ऑफ लाइफ है। तो जो आर्टिस्ट है यानी कि बाहर निकलना जानता है, उसके सामने तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी है कि फटाक से बाहर आ जाएंगे। और ये जो आर्ट है ना, ये हम सबको सीखनी चाहिए, है ना, कि मुसीबतों से बाहर कैसे आना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस आज का हमारा ये सेशन और देखते हैं जरा आज की न्यूज हमारी कौन कौन सी है, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं, ठीक है। यहाँ पर जो मई एंड चल रहा है यानी कि 29, 30, 31, तीन दिन आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा ऑफर है। 77% ऑफ चल रहा है डबल वैलिडिटी के साथ में, लेकिन यहाँ पर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एक कोड यूज करते हैं यहाँ पर Y774, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट है वो 78% हो जाएगा आपका। और सभी पर क्या मिल रही है, डबल वैलिडिटी सिर्फ तीन दिन के लिए रहेगी, तो आप कोई भी बैचेस से परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल एकदम फ्री में मिलता है। और अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। चलो भाई, हाँ जी, सबसे पहले मोदी जी हमारी क्लास में आते हुए सबसे पहले शुरू किया जाए। रेडी सब लोग? मारुति, कुलदीप, गुलशन, अभिषेक और कौन है क्लास में आज? आप लोगों के कमेंट्स छोटे छोटे से मुझे दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। तो चलो, कृष्णा, नितिन, रोहित, अनीश, पंकज, कृष्णा, चलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, क्या हुआ है तो आप सभी जानते हैं कि नया संसद भवन बनाया गया है। क्या नया संसद भवन बनाया गया है? और इसी उपलक्ष में क्या किया है, मोदी जी ने एक सिक्का जारी किया है। तो चलो पहले देखते हैं संसद भवन। ये है नया संसद भवन और ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर बनाया गया है, ठीक है। किसमें? ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। चलो भाई, सबसे पहले हम जरा देखते हैं यहां पर चीजें क्या क्या आपको याद रखनी है। संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कब बनाया गया था? ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनाया गया था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल किया करते थे। 1921 के अंदर इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया जाता है। 1927 के अंदर ये निर्माण कार्य समाप्त हुआ और हमारा जो संसद भवन है वो बनकर तैयार हुआ। एक सवाल पूछा जाता है, इस टाइम पर जो वायसराय थे ये कौन थे? तो लॉर्ड इरविन हो जाएंगे, यानी कि इन्होंने ही उसका उद्घाटन किया था, ठीक है। अगर पूछा जाए संसद भवन के जो वास्तुकार थे इनका नाम क्या था, तो ये इंपॉर्टेंट है, एडविन लटियंस नाम था इनका, एडविन लटियंस था, ठीक है। और हर्बर्ट बेकर एंड हर्बर्ट बेकर, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने संसद भवन का निर्माण किया था 1921 से लेकर 1927 तक, ठीक है। अब बात करते हैं जो नया वाला संसद भवन है हमारा, इसका उद्घाटन कब हो चुका है? 28 ऑफ मई को
किसने किया है? मोदी जी ने किया है नया संसद भवन। आपसे इसकी शेप पूछी जा सकती है, ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर बनाया गया है। कितनी सीटें हैं इसमें? तो देखो भाई, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करेंगे तो इसके अंदर 888 सीटें बनाई गई हैं, और जब हम लोकसभा की बात करते 384, मैंने उल्टा बोल दिया, इसको सीधा कर लेना, ठीक है। जब हम बात करते हैं लोकसभा की बात करेंगे, ये देखो, हम सुबह सुबह भावनाओं में बहते हुए, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीट्स है जो इसके अंदर रखी गई है। कहा जा रहा है विजिटर्स गैलरी जो है ना, उसमें सीटों की संख्या 336 से ज्यादा है, जहां पर इतने लोग बैठ सकते हैं। चलो ठीक है, और क्या क्या चीजें हुई है? इंटरनेशनल वर्क के लिए ऑफिसेस बनाए गए हैं, जहां पर समझौते वगैरह किए जाते हैं, जैसे ट्रीटी साइन होती है, ऑफिशियल वर्क होता है। डाइनिंग एरिया बनाया गया है, कैफेटेरिया बनाया गया है, ठीक है। मीटिंग के लिए अलग से ऑफिस बनाए गए हैं, तो वो सारी चीजें हैं जो इसके अंदर बनाई हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बात क्या आती है, जब नया संसद भवन बनाया गया है तो मोदी जी ने मेमोरी के तौर पर जो किसी भी चीज को हम एक यादगार बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं कि यादगार उसको कैसे बनाना। तो मोदी जी ने क्या किया है, एक सिक्का जारी किया है, और वो भी कितने रुपए का, 75 रुपीज का सिक्का जारी किया है, ठीक है। सिक्के के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है, कॉइन के बारे में सुन लो, इसका जो वजन है वो कितना हो जाएगा, 50 ग्राम है, ठीक है। इसके अंदर चांदी लगी हुई है, जो 50% है वो चांदी लगी हुई है, बाकी इसके अंदर कॉपर है 40%, ठीक है। निकल भी इसके अंदर डाला गया है, ये 5% डाला गया, और जिंक जो है ये भी 5% आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इसके ऊपर अशोक स्तंभ की जो है, अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जो 75 रुपीज है, इसका जो आगे वाला भाग है उस पे लिखा हुआ है, और एक तरफ भारत लिखा है और इंग्लिश में इंडिया भी लिखा हुआ है, जैसा कि हमने इमेज में देखा था, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा है, ये हमारा अशोक स्तंभ हो गया, 75 रुपीज लिखा है इस तरफ हिंदी में और इस तरफ इंग्लिश में। ये चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। सिक्के के ऊपर क्या क्या मेंशन है, कितने ग्राम का है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, तो वो सब आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत? इसका जो वजन है गाइस, वो और भी कम है, सॉरी 35 ग्राम है, ओनली 35 ग्राम जो है वो इसका वजन है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सब बढ़िया चल रहा है, आगे बढ़ लिया जाए। चलो ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब हम सवाल लोकसभा, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 के अंदर आता है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 550। दो एंग्लो इंडियंस जो हटाए गए थे, ठीक है, कौन से एक्ट के तहत, 2019 एक्ट लाया जाता है और दो एंग्लो इंडियंस को रिमूव कर दिया। यहीं पर राज्यसभा की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 80 के अंदर आता है, और इसमें जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 250 होती है। ओके, जो 250 सीटें होती है ना, ये कितनी मैक्सिमम सीटें बताए, वैसे कितनी आपकी, 245। अभी प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया था कौन कौन से देशों में, तो देखो सबसे पहले ये कहां गए थे, जापान। इनकी यात्रा के बारे में पूछ लिया जाता है, ये जापान गए थे, ओके। पापुआ न्यूगिनी गए थे, यहां से मुझे अवार्ड बताओ, इन्हें कौन सा वाला अवार्ड मिला था, जल्दी से छापो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गए, यहां पर इन्होंने एक बुक का अनाउंसमेंट किया, लॉन्च किया, उसको अवार्ड कौन सा मिला था पापुआ न्यूगिनी से, कंपेनियन ऑफ द ईयर, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ पापुआ न्यूगिनी, ठीक है भाई। यहां देख किसी को कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा फिजी भी याद रखिएगा, फिजी से भी अवार्ड मिला है, फिजी को तो हम भूल ही जाते हैं। चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखो, अ कमेटी विल बी फॉर्म्ड फॉर चीता प्रोजेक्ट। आप सभी जानते हैं
चीता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब चीता के लिए एक कमेटी भी बनाई जा रही है। अब मैडम उसकी क्या जरूरत पड़ गई, कमेटी क्यों बनाई जा रही है? तो देखो अभी क्या हुआ है, जब हम चीता की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं चीता जो है वो कहाँ रखे गए हैं, कुनो नेशनल पार्क के अंदर रखे गए हैं। ये कहाँ से मंगवाए गए थे, नामीबिया से मंगवाए गए थे। कितने मंगवाए थे, पहले तो ये संख्या में 8 आए थे, उसके बाद ये संख्या में 12 और आए थे, ठीक है। लेकिन इनमें से भाई 6 की जो है डेथ हो चुकी है, 6 की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ये कौन कौन से थे, तो देखो एक का नाम था साशा जिसकी सबसे पहले डेथ हुई, उसके बाद एक का नाम था उदय जिसकी सबसे पहले डेथ हुई थी, ठीक है, उसके बाद ज्वाला, ज्वाला की डेथ नहीं हुई है, ज्वाला ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, 4 शावकों को जन्म दिया था और इन 4 में से 3 की डेथ हो गई थी, 3 की डेथ। उसके बाद एक और फीमेल चीता जिसका नाम है दक्षा, दक्षा की भी डेथ हो गई। टोटल कितने चीताज की डेथ हो चुकी है, 6 चीताज की डेथ हो चुकी है, एंड इट्स अ वेरी बिग डील फॉर अस, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अब क्या बनाई जा रही है, अब कमेटी बनाई जा रही है, और ये जो कमेटी रहेगी वो क्या काम करेगी, ये कमेटी सजेशंस देगी किसके ऊपर, जो चीता हाउस बनाया जाएगा उसके ऊपर सजेशन देगी, चीता से रिलेटेड जितनी भी चीजें रहेंगी उन सभी के ऊपर सलाह देने का काम करेगी, ठीक है। चलिए फिर इस कमेटी के बारे में बात करते हैं। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड 11 मेंबर चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी हैज बीन सेट अप, हु वाज मेड इट्स चेयरमैन। जो कमेटी बनाई जा रही है कितने मेंबर है उसके अंदर, 11 मेंबर है उसके अंदर। कौन इसको हेड कर रहे हैं, राजेश गोपाल इसको हेड कर रहे हैं। कौन है राजेश गोपाल, तो सुनिए, ग्लोबल टाइगर फोरम जो है, ग्लोबल टाइगर फोरम के डायरेक्टर जनरल हैं और अब ये जो है इस कमेटी को हेड करेंगे, ठीक है, और ये कमेटी यहाँ पे सजेशंस देने का काम करेगी। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी, तो इस इनको अपॉइंट किसने किया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो है इनको अपॉइंट किया है, जिनका नाम क्या हो जाएगा, राजेश गोपाल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हां जी, किरण, गीता, प्रवीण, वासिम, कुमारी, बबीता, आकाश, काफी नए बच्चे लग रहे हैं मुझे आज क्लास के अंदर। चलिए बहुत बहुत स्वागत है जितने भी स्टूडेंट्स आज नए आए हैं क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलो सवालों की तरफ चलते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट, इसका आंसर हम नहीं करने वाले, और जिसने नहीं किया उसको बनाएंगे हम। क्या हमारी फेमस उपाधि कौन सी है, चिरकुट वाली, ठीक है, तो बताओ जल्दी से। और एलिफेंट प्रोजेक्ट ये कब आता है, 1992 के अंदर। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, 1975 में आता है। फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, ये नया क्वेश्चन है, कहां पर होने जा रहा है, कोलकाता के अंदर होने जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। किसी ने आंसर किया है, 1973, करेक्ट, राज लक्ष्मी, बहुत बढ़िया, राज करोगे तुम 1973 के अंदर। हाँ जी, चले फिर अगले न्यूज की तरफ। पीडीएफ कैसे मिलेगा, लास्ट में बताएंगे गाइस, पीडीएफ के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लॉन्चेस प्लान फॉर हेलीकॉप्टर रूट्स, हेलीकॉप्टर रूट्स के लिए क्या बनाया जा रहा है, एक प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो जरा प्लान के बारे में हम देख लेते हैं कौन सा है। उड़ान योजना, उड़ान 5.1, 1, 4, 5.10। देखो भाई, जब हम उड़ान योजना की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं इसे 2016 के अंदर लॉन्च किया जाता है, और किसने लॉन्च किया था, मोदी जी ने लॉन्च किया था, और मोदी जी ने कहा था उड़े देश का आम नागरिक, हम चाहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करें। बहुत अच्छी बात है, इसका अनाउंसमेंट 2016 में किया और मोदी जी ने ही सबसे पहली यात्रा की थी इसकी 2017 के अंदर, ठीक है। उसके बाद लाया जाता है आपका उड़ान 2.0,
ये आता है 2018 में, और फिर आया उड़ान 3.0, फिर आता है उड़ान 4.0 2020 के अंदर, फिर आता है इसी का वर्जन उड़ान 5.0 2023 के अंदर, और अभी 2023 में ही एक और आ गया है उड़ान 5.1। मोदी जी ने एक टारगेट रखा था इस योजना के तहत जब इसको लॉन्च किया, और कहा था कि हम बहुत सारे क्या बनाना चाहते हैं, एयरपोर्ट्स बनाना चाहते हैं। 2026 टारगेट रखा था और कहा था 220 जो है वो नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। चलो अब जो 5.1 है ना, ये ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर क्या है, इसमें हेलीकॉप्टर रूट्स प्लान किए जा रहे। क्यों किए जा रहे, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि रिमोट एरियाज हैं। रिमोट एरियाज कौन से होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर ट्रेन जाना, व्हीकल्स का जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं उनके लिए सिर्फ हेलीपैड्स बना दो और कहीं पर भी उनको जो है टेक ऑफ टेक ओवर किया जा सकता है। तो रिमोट एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उन सभी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हेलीकॉप्टर प्लान्स को शुरू किया है, और यात्री इसके अंदर जब ट्रैवल करेंगे तो उनको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। ये लो भैया, सबसे पहले डिस्काउंट मिल गया इसमें आपको 25%, ये आपको सस्ता पड़ेगा, ओके। तो ये कनेक्टिविटी के लिए है, और बोला जा रहा है जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है हमारे देश की, वहां तक इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बात करते हैं, ये किसके पास में आपको मिलती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। किसके पास में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में आपको ये मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ लिया जाए। चलो नेक्स्ट देखो, सवालों की तरफ चलते हैं, बताइए। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं प्यारे प्यारे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है और शेयर भी नहीं किया है, तो जल्दी से करके इतना सा काम कर दो, सेशन को फटाफट से लाइक कर दो और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, ठीक है। रिजवान खान सर, एक बार ब्लॉक करना इसको, आज इसने अपने दिन की अच्छी शुरुआत करी है क्लास के अंदर अपनी बेइज्जती करवा के। और भी किसी को ब्लॉक होना है तो बता देना भाई, हाँ और भी किसी को ब्लॉक होना है तो बता देना। चलो देखो, सीखो और कमाओ योजना की बात करते हैं, कहां से लॉन्च किया गया इसको, एमपी से। भिखारी मुक्त योजना कहां से लॉन्च होती है, राजस्थान से। घर घर औषधि योजना, ये भी राजस्थान से। अच्छा, जो भिखारी मुक्त योजना है ये नागपुर में भी लॉन्च की गई थी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना जो है हमारे देश की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, और इसे 2016 के अंदर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। कौन सी जगह से, झारखंड के अंदर रांची जो इसके कैपिटल है वहीं से इसको लॉन्च किया गया था। चलो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हां जी, फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस्ड। क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सीएम कौन है, अभी नए सीएम बनकर आए थे, इनका नाम हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुखू, जिन्होंने यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया है। और गवर्नर की बात करते हैं तो ये कौन है, शिव प्रताप सिंह है जो यहां पे नए गवर्नर बनकर आए थे। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी, और भी ढेर सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम न्यूज की तरफ चलते हैं। देखो भाई, हिमाचल प्रदेश ये कह रहा है कि हम अपने जो राज्य है उसको सेंटर बनाना चाहते हैं। किस चीज का सेंटर बनाना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का, कि सबसे ज्यादा जो है वो हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इससे होगा क्या, इससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि हमारे पास एक ऐसी जगह है, सुरम्य नाम का एक जिला है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर वो सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं जहां से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन यानी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अच्छा,
तो आप कहोगे कि मैडम इसका प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, क्या होता है? तो ये कह रहे हैं प्रॉपर धूप यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, शुद्ध हवा मिलेगी, भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा, ये सारी जगह जहां पर अवेलेबल होती हैं वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश क्यों करना चाहता है, अपने राज्य को सेंटर क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि इससे क्या है, सबसे ज्यादा इसको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। भाई यहाँ पर जब प्लांट लगेगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ऐसा प्लांट बनाया जाएगा, तो बाकी स्टेट्स के अंदर जो भी इस फील्ड में काम करना चाहेगा वो यहाँ पे आके अपना काम करेगा और इन्वेस्टमेंट लगाएगा, तो फायदा किसको होगा, स्टेट को। अच्छा, तो मैडम इतनी सारी चीजें की जा रही हैं, तो किसी ना किसी के साथ कोई पार्टनरशिप भी करी होगी, तो इंडियन ऑयल कंपनी, ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी ने यहाँ पर प्लांट लगाने की बात कही है और साथ में ये कहा है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन भी करेगा। किसका? एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा, जो कि क्या है, एक बायोफ्यूल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखनी है। ये जो सुरम्य जिला, सुरम्य, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका यहाँ से, ओके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, ये रहा मैप पे अंदर आपका हिमाचल प्रदेश, ये इसकी समर कैपिटल हो जाएगी शिमला, जहां पर आपको पोटैटो रिसर्च सेंटर देखने को मिलता है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है, सीएम हमने देखा सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे, ठीक है, और गवर्नर कौन है, शिव प्रताप सिंह है। चलो, ये राज्यसभा लोकसभा की सीटें। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे पहले क्या शुरू हुआ था, ई पंचायत, सबसे पहले ई कैबिनेट मिशन यहीं पर लाया गया था, हींग की खेती सबसे पहले यहीं पर की जाती है, इसके अलावा आप देखोगे लाहौल जो घाटी है वहां पर सबसे पहले हींग की खेती हुई थी, और संगठित दालचीनी की खेती करने वाला ये पहला स्टेट बना था, 100% एलपीजी गैस प्रोवाइड करवाने वाला, एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला ये फर्स्ट स्टेट बना था। यहीं पर आप देखोगे हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी आपको मिलता है। और ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश किस किस के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आप देखोगे यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा, उत्तराखंड और ऊपर जम्मू कश्मीर के लोकेशन मिलते हैं चार स्टेट्स के साथ में। इस तरफ वाले जो लोकेशन है वो चिरकुट चाइना देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ जी, एक योजना आती है यहाँ पे, पर्वत धारा योजना, कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी, हिमाचल प्रदेश ने। मोदी जी एक बार फिर से आते हुए हमारी क्लास में, इस बार क्या है, एक और अनाउंसमेंट लेकर आए हैं। मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय प्रवासी है ना, उनकी लंबे समय से एक डिमांड चली आ रही थी, उसको पूरा कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं। Will the new consulate be built in? नया वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया जाएगा कौन सी कंट्री के अंदर, चाइना में, इंडोनेशिया में, टोक्यो में, ब्रिस्बेन लिखा है यहां पे, लिखना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर पहुंच गए आप, ब्रिस्बेन। तो आप सभी जानते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया विजिट पर गए हुए थे मोदी जी, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं काफी लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पिछले 20 सालों में इंडियंस की जो संख्या है वो इंक्रीज होती जा रही है, इंडियंस की संख्या, तो इसीलिए वहां पर कोई ना कोई तो क्या होना चाहिए, कोई ना कोई वाणिज्य दूतावास, कॉन्सुलेट होना चाहिए वहां पर, ताकि जो लोग वहां पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उन्हें भी हेल्प मिल सके। सिर्फ किन की बात चल रही है, इंडियंस की बात चल रही है। तो मोदी जी जब यहाँ पे गए थे किस पर्पज से, अब वो गए तो थे क्वाड समिट के लिए, क्वाड तो वहां पे हो नहीं पाया, तो एक तो इन्होंने वहां पे बुक लॉन्च कर दी, इसका नाम जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सी बुक लॉन्च की। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे बना दिया क्या, एक दूतावास बना दिया, अम्बेसी, किस चीज को लेकर, वाणिज्य को लेकर के। देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर सबसे ज्यादा इंडियंस देखने को मिलते हैं, और ये जो जगह है इस, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, हैरिस पार्क,
हैरिस पार्क एक ऐसी जगह है, मैक्सिमम इंडियंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसीलिए क्या किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है एंथनी ब्लिंकन, एंथनी अल्बनीज, इन्होंने क्या किया, इस जगह का नाम चेंज कर दिया और नाम चेंज करके इसको क्या नाम दे दिया, लिटिल इंडिया, छोटा भारत। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, सारे इंडियन फेस्टिवल्स हर साल धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो इसीलिए इस जगह को लिटिल इंडिया नाम दे दिया है। और इससे मोदी जी काफी खुश हुए, तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए क्या किया, इंडियंस के लिए ही क्या बना दिया है, यहाँ पर एक वाणिज्य दूतावास बना दिया है, जो लोगों की काफी लंबे समय से डिमांड चलती आ रही थी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस न्यूज इज हैरिस पार्क, नाम चेंज करके क्या कर दिया, लिटिल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा किया गया है। ठीक है, चलो भाई, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कैनबेरा है। यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज होती है, डॉलर करेंसी यूज होती है। प्राइम मिनिस्टर इसके एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ठीक है, एक और चीज, क्वाड का पार्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, हाँ जी, सवाल की तरफ चलते हैं। आप मुझे बताइए, भगत सिंह के नाम पर कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम चेंज करके रखा गया है, क्या है कोई धुरंधर हमारी क्लास में जो बता सके, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सिडनी के अंदर, सिडनी के अंदर करेक्ट, वही तो आपका होना था क्वाड का समिट। ठीक है, ओके, किसी को नहीं पता, बहुत बढ़िया। डिफेंस वालों, तुम लोग कहाँ हो आज, पूरन, इट्स रूबी, जसपाल, आंसर करो सब लोग। देखो, भगत सिंह के नाम पे एक एयरपोर्ट का नाम चेंज करके रखा गया है और ये कौन सा हो जाएगा आपका, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, कौन सा है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। ठीक है, राजपथ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आर्टिकल 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट है, इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है, अगर उसका नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, ठीक है, तो वो किस आर्टिकल में आएगा, एक सेकेंड, इंडिया के अंदर तो आर्टिकल 3 में आएगा, इंडिया से बाहर अगर किसी स्टेट को अपने देश में मिलाना है तो उसके लिए ये वाला आर्टिकल होगा आपका। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, नेक्स्ट, इंडियन किंग स्वॉर्ड सोल्ड फॉर 140 करोड़, 140 करोड़ की बिकी है भारतीय राजा की तलवार। कौन से राजा थे भाई जिनकी तलवार इतनी महंगी बिकी, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें आप देखते हो, चाहे वो हमारी पुरानी चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे हमारे मुगलों से, इतिहास में जितने भी राजाओं से, तो उन सब में ये सबसे महंगी चीज है जो बिकी है, 140 करोड़ की एक तलवार है। और ये जो तलवार है वो किसकी है, टीपू सुल्तान की है। जब हम टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो इनका जो शासन रहा था, जो टाइम पीरियड था, 1782 से लेकर 1799 तक रहा था। ठीक है, 1779 की बात करते हैं, इन्होंने मराठा राज्य के साथ युद्ध किया और मैसूर राज्य का बचाव किया था। ये मैसूर राज्य, मैसूर के राजा थे, 18वीं सदी के सबसे शक्तिशाली राजा इनको माना जाता था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टीपू सुल्तान को हरा देती है। अब कहानी शुरू होती है, बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने जब टीपू सुल्तान को हरा दिया, उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, 1799 का वो टाइम था, श्रीरंगपट्टनम जहां पर टीपू सुल्तान रहा करते थे, यहां पर इनका जो पर्सनल रूम था, ठीक है, पर्सनल रूम था, वहां से बरामद की गई है ये जो तलवार है। तो ब्रिटिशर्स लेकर भाग गए थे इस तलवार को, ठीक है, ये जो तलवार है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर है इसकी लेंथ, और ये जो है गोल्ड, यहां पर आप देखोगे ये वाली जगह गोल्ड से इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, गोल्ड से इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और ये कितने की बिकी है, 140 करोड़ की बिकी है। एक चीज आपसे पूछी जाएगी, इसको जो नीलाम किया है, जो ऑक्शनियर है वो कौन है,
नीलामकर्ता की बात करते हैं वो कौन है, तो ये एक ब्रिटिशर है और इनका नाम हो जाएगा ओलिवर व्हाइट। क्या नाम है इनका? ओलिवर व्हाइट इनका नाम है जिन्होंने इसको नीलाम किया है। ओके, तो ये अब तक की सबसे महंगी चीज है जो बिकी है, टीपू सुल्तान की तलवार है, ठीक है, 140 करोड़। भाई साहब, मतलब 140 करोड़। हां जी, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, किस खिलाड़ी का बल्ला सबसे महंगा नीलाम हुआ था? ये न्यूज आई थी, याद है किसी को? लास्ट से लास्ट ईयर आई थी, 2020 के अंदर, 2021 के अंदर ये न्यूज आई थी कि सबसे महंगा जो बल्ला है वो बिका है किसका? एमएस धोनी का। क्या मुझे अमाउंट बता सकता है कोई कि कितने में बिका था इनका बल्ला जो है? एमएस धोनी की बात करते हैं, कितने में बिका था? 83 लाख, 83 लाख में बिका था एमएस धोनी का बल्ला, समझ रहे हो? चलो, हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे मनाया गया है, सिज़ोफ्रेनिया डे मनाया गया है। तो ये जो होते हैं ना सिज़ोफ्रेनिया, ये एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है। क्या होता है इस बीमारी के अंदर? देखो, 16 से लेकर 45 वर्ष जिनकी एज है उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है। इसमें ना इंसान काल्पनिक चीजों को रियल समझने लगता है, जो वो इमेजिन करता है उसी को सच मानने लगता है। अगर उसने सामने देख लिया कि भूत खड़ा, इमेजिन कर लिया, तो उसी को सच मान के वो डर जाता है। इसमें इंसान इमेजिनरी और रियल लाइफ में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, वो अकेला रहना पसंद करता है, अकेले रहना, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता, मतलब वो बिल्कुल सोशल नहीं रहता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो सुसाइड ज्यादा करते हैं, इसमें सुसाइड के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक डे है जो मनाया जाता है इन्हीं लोगों को लेकर, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमारे जैसे जो लोग हैं वो इनकी हेल्प करें, ठीक है। तो ये डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 मई को ये जो डिजीज है उसको लेकर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अभी तक इस डिजीज का कोई भी इलाज नहीं मिला है, तो इसीलिए हम इसकी अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है भाई। चलो, एंटी टेररिज्म डे है, कोई धुरंधर हमारी क्लास में जो बता सके एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? हाँ जी, वेरी गुड, 21 मई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। कॉमनवेल्थ डे की बात करेंगे, ये 24 मई को मनाया जाता है, और एंटी तंबाकू डे जो है ये 31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रीम 11 के फाउंडर को IAMAI के चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। किनको? हर्ष जैन इनका नाम है, तो चेयरपर्सन बना है IAMAI का। क्या है ये? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, लिख लो, इंटरनेट एंड ऐसे आएगा, एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसके हेड इन्हें बनाया गया है। नाम क्या हो जाएगा इनका? हर्ष जैन इनका नाम है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्रीम 11 के बारे में। देखो भाई, ड्रीम 11 ये जो कंपनी है इसे बनाया जाता है 2008 के अंदर, इसकी स्थापना की गई थी 2008 के अंदर, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर्स आते, मतलब किन्होंने इसकी स्थापना करी थी, तो एक तो ये आ जाते हैं आपके हर्ष जैन है, और एक का नाम हो जाएगा वरुण डागर, एक का नाम है वरुण डागर, और एक हो जाएंगे भावित शेठ हैं, ये जो है इसके फाउंडर हो जाएंगे। अच्छा, आप सभी जानते हैं ड्रीम 11 ने कौन सा आईपीएल का एडिशन था जिसको स्पॉन्सर किया था? 13th IPL इसको स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो अभी जो है इन्हीं के जो हर्ष जैन है, इन्हें क्या बना है? IAMAI के चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा इन्हें किन की जगह पे रिप्लेस किया गया है, तो ये बने हैं संजय गुप्ता की जगह पे। संजय गुप्ता ये कौन है? को फाउंडर ऑफ मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप का नाम आप सभी ने सुना होगा,
तो इसी के ये क्या है, को फाउंडर है। इसके अलावा गूगल इंडिया के अंदर भी ये एज अ सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। कौन? संजय गुप्ता, जिनकी जगह पे अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में गूगल इंडिया के। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ लिया जाए, देखो सवालों की तरफ चलते हैं। सीआईआई के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, किसी को याद है नाम इनका क्या था? सीआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट थे, ये बनाया जाता है आर दिनेश को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या है? स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बनाया गया था आर एन जया प्रकाश को। आर एन जया प्रकाश को प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कौन बनते हैं? डॉक्टर के, और इनका नाम था, पूरा नाम था इनका गोविंद राज। क्या नाम है? गोविंद राज। तो ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ये देख रहे हो? बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा वैसा पढ़ा नहीं था, अंतरिक्ष मिसाइल सैटेलाइट ये सब पढ़ा नहीं था ना कुछ दिनों से। चलो अब देखते हैं। कहा जा रहा है कि खुर्रम शहर 4 जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कौन से देश ने इसका परीक्षण किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ईरान। हाँ जी, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज होती है? रियाल, यहाँ पे करेंसी यूज होती है। रामसर नाम की जो जगह है वो यहीं पर देखने को मिलती है, जहां 1971 के अंदर रामसर समिट हुआ था आपका। ठीक है, तो अभी ईरान की बात करते हैं। तो ये एक ऐसी कंट्री है जिसका कोई दोस्त नहीं है, मतलब अगर हम जैसे इंडिया की बात करते हैं तो कल को अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे चाइना ने या पाकिस्तान ने वॉर कर दिया, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो हमारा साथ देने के लिए तैयार बैठी हैं। सबसे आगे है उसमें आपका यूएसए हो गया, और भी आसपास की सारी कंट्रीज हमारे सपोर्ट में रहती हैं। लेकिन ईरान एक ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ हुआ करता था, पाकिस्तान तो खुद डूबती नैया में सवार कर रहा है, वो इसकी क्या हेल्प करेगा? तो इसीलिए इसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया है। क्या करना शुरू कर दिया? न्यूक्लियर वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, खुर्रम शाह जो कि क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनकी जो रेंज होती है वो काफी ज्यादा होती है, और ये कैसे वॉर कैसे करती है? पैराबोलिक शेप में ऐसे वॉर करती हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं, कितनी हो जाएगी? 2000 किलोमीटर है। कितना वजन ये लेकर जा सकती है? 1500 केजी का वजन, इतना पेलोड ये जो है लेकर जा सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो नाम रखा गया है, यही नाम क्यों रखा? इनको कोई और नाम नहीं मिला था? तो कहा जाता है कि एक रूलर के नाम पे रखा गया है, एक शासक हुआ करता था इनके यहाँ पर, 7th सेंचुरी का यानी 7वीं शताब्दी का एक शासक था, उन्हीं के नाम पे खुर्रम शाह 4 इस मिसाइल का नाम रखा गया है। तो भैया काफी रेंज की मिसाइल है। ईरान का कहना है हमको टेंशन नहीं है, कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन बनने की हिम्मत ना करना, वरना ऐसी ऐसी मिसाइल हम बनाने जा रहे हैं ना भैया, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो ये जो है वो सोच है किसकी? ईरान की। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं और क्रूज मिसाइल्स होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो एक बार आप देख लीजिए। देखो भाई, एक है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी शुरुआत 1999 में होती है, DRDO ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। और एक होती है आपकी जो क्रूज मिसाइल होती है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, इनकी जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, और इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? वो कम होती है, ये कम रेंज की मिसाइल होती है। ये वाली जो होती है वो हाई एल्टीट्यूड तक जाती है, हाई एल्टीट्यूड तक, ये लो एल्टीट्यूड तक ही रह जाती है।
कम ऊंचाई तक, ये पैराबोलिक शेप बनाती हैं और ये सीधा टारगेट को हिट करती हैं, ये सीधा टारगेट को हिट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी हम बात करते हैं कि एग्जांपल दो मैडम बैलिस्टिक मिसाइल का, तो देखो क्या हम इसको थोड़ा छोटा कर, अरे ये क्या हो गया, मुझको लगा गायब ही हो गया क्या सब कुछ। छोड़ो भाई, कोई बात नहीं। देखो बैलिस्टिक मिसाइल की एग्जांपल देख लो कौन कौन से हैं, जैसे कि अग्नि वाले जो भी आपके मिसाइल्स है वो सब हो गई, ठीक है, पृथ्वी हो गई मिसाइल, त्रिशूल हो गई, ये सब क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का एग्जांपल ले लो, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हो गई आपकी, ब्रह्मोस, निर्भय मिसाइल हो गई, ये सब क्या है, क्रूज मिसाइल्स है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ईरान से सारी चीजें याद रखनी है, ईरान से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अभी एससीओ का 9th मेंबर बना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का मेंबर ये बन चुका है। ओके नेक्स्ट, हां जी वी शॉर्ट, ये क्या है, डीआरडीओ ने अभी इस मिशन को लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, डीआरडीओ ने लॉन्च किया था, जो कि एक मिशन है। अग्नि 6 की बात करते हैं, इसकी जो रेंज हो जाएगी वो कितनी है, 11,000 से 12,000 किलोमीटर है, और ये क्या है, एक एंटी गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है, अग्नि 6 एंटी कॉन्टिनेंट मिसाइल है, एंटी कॉन्टिनेंट मिसाइल है, यानी कि ये किसी भी कॉन्टिनेंट में वॉर कर सकती है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, तो इसको भी क्या है, अभी टेस्ट किया गया था, प्रलय को किसने टेस्ट किया था, डीआरडीओ ने टेस्ट किया था, और ये जो है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, कैसी है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलो हां जी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है, देखिए इनॉग्रेट्स न्यू बिल्डिंग ऑफ झारखंड हाईकोर्ट इन रांची, नया हाईकोर्ट बनने जा रहा है भाई आपका, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट, इसका उद्घाटन रांची के अंदर किया गया है, और पूछा जा रहा है किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, आप सभी जानते हैं, और ये जो है फर्स्ट फीमेल ट्राइबल मिनिस्टर बनी थी, और ये आपसे पूछा जाएगा कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, ओडिशा से करती हैं, कौन सी जनजाति से हैं, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, और गवर्नर थी कौन से स्टेट के अंदर, झारखंड की पहले ये गवर्नर रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो अभी इन्होंने क्या है, हमारे देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है वो डेवलप कर दिया है। चलो भाई, जब भी हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट की संख्या 25 है, जो सबसे पहले हाईकोर्ट बनाया गया था ये था 3 हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, और एक बनाया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट। ओके, जो लेटेस्ट है 25th वाला, ये कौन सा मिलता है आपको, अमरावती हाईकोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, और अभी झारखंड के अंदर सबसे बड़ा वाला, यहाँ पहले से था, सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। तो जब हाईकोर्ट की बात करेंगे, इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 214 के तहत हाईकोर्ट को बनाया जाता है। अच्छा, तो लार्जेस्ट है, एक चीज याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट बाय एरिया है, ना कि लार्जेस्ट बाय बेंच, एरिया वाइज बात करेंगे तो है लार्जेस्ट आपका ये रांची जो अभी बनने जा रहा है, लेकिन अगर बाय बेंच बात करें हम, यानी कि सबसे ज्यादा जो जजेस हैं, ठीक है, वहां पर, तो कौन सी हो जाएगी लार्जेस्ट आपका, तो हो जाएगा अलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना, काम की चीज। ये वाला पॉइंट किसी को नहीं पता था कि मैडम सबसे बड़ा तो है, लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा है या फिर बेंच वाइज सबसे बड़ा है, तो ये रांची वाला एरिया वाइज सबसे बड़ा है, बेंच वाइज जो है वो आपका अलाहाबाद हाई कोर्ट है सबसे बड़ा, ठीक है। तो रांची के अंदर जो बनाया गया है, इसमें जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी हो जाएगी, कितनी कीमत के साथ इसको बनाया गया है, 550 करोड़, इतनी टोटल कॉस्ट आई है इसको बनाने में। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा वाला हाई कोर्ट सबसे छोटा हाई कोर्ट है, एक सेकेंड गाइस, गोवा ने सिक्किम होगा, सॉरी
सिक्किम हाई कोर्ट जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट देखने को मिलता है। कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर आपको हाई कोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएंगे आपके, जैसे गोवा के अंदर कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट ही नहीं है गोवा के अंदर, नागालैंड में नहीं मिलेगा आपको, मिजोरम के अंदर भी आपको कोई हाई कोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी नहीं मिलेगा। तो इनके जो हाई कोर्ट्स हैं वो जो नियरेस्ट स्टेट है वहां पे लगते हैं, ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो, सवालों की तरफ चलते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलता है कहाँ पे? नीदरलैंड्स के अंदर। एक जगह है यहाँ पे द हेग के अंदर, ठीक है। हाई कोर्ट 75th एनिवर्सरी मनाई गई है, कौन सा हाई कोर्ट है जिसकी अभी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? आंसर करो जल्दी से। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये कब आता है और कौन लेकर आया था, 1861 के अंदर आया था हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो आया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना चार्टर एक्ट आता है आपका, चार्टर एक्ट 1773, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, संसद भवन हो गया, ये सब के जो वास्तुकार है ना वो एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एडविन लटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये वास्तुकार हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, 75th एनिवर्सरी बताया किसी ने? अरे वाह, अनुषा सिंह, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट स्टूडेंट। गुवाहाटी हाई कोर्ट है, कौन सा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट, अभी इसका 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था। चलो भाई, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? सब बढ़िया चल रहा है। ओके, दिस वॉज द लास्ट न्यूज ऑफ द सेशन, न्यूज खत्म हो चुकी है। जिनको भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे कि पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, करंट अफेयर की क्विजेस, ये बाकी सब्जेक्ट्स के क्विजेस, तो वो सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एप्लीकेशन पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे डिफेंस पे या इधर उधर देख रहे हैं क्लास, जैसे कि हाँ डिफेंस वाले मेनली, तो वो बच्चे अड्डा 24/7 सर्च करके भी आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक दिलवा दूंगी, आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, सो ये होमवर्क है और होमवर्क सभी को करना है, सभी बच्चों को होमवर्क करना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, ये क्लास खत्म होने के बाद में आपको। हाँ जी, और मे एंड चल रहा है, यानी आज 29 है, 30 और 31, 3 दिनों के लिए ऑफर चल रहा है। जितने भी बैचेस हैं सभी पर वैलिडिटी कर दी गई है, डबल डबल वैलिडिटी सिर्फ 3 दिन के लिए रहेगी। आपको यहां पर 78% डिस्काउंट मिलेगा, कोड यूज करना है Y774। और इस बैच को परचेज, कोई भी बैच परचेज करना कैसे है, अगर आप लोगों का जीएस बहुत वीक है और अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे कि जीएस के अलावा और भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स या नॉन टेक्निकल कोई भी सब्जेक्ट, कभी सिलेबस नहीं किया है, शुरू से तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे आइए। क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है, सिंपली जब आप जाओगे तो अड्डा 24/7 टाइप करना, यहाँ जैसे पहले से टाइप है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो सबसे पहला लिंक ओपन होके आता है, इस पर क्लिक करना है। ऊपर आप देखोगे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो, सारे के सारे कोर्सेज ओपन होके आपके सामने आ जाते हैं। आपको जैसे JEE वाले कोई भी एग्जाम लेना है तो यहाँ पर फिलहाल सभी के ऊपर डबल वैलिडिटी चल रही है, डबल वैलिडिटी, हालांकि सभी एग्जाम्स पे, चाहे डिफेंस का लो, चाहे इंजीनियरिंग का लो, चाहे जो भी लो आप, तो इसमें आप कोई भी बैच परचेज करना चाहो, जैसे कि अभी झारखंड JEE की वैकेंसीज आ चुकी हैं 1100 समथिंग और नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप उसके लिए परचेज कर सकते हो GSSC JEE। जब आप इसके ऊपर जाते हो तो देखो ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको लेना, ये कंप्लीट लाइव बैच है झारखंड SSC JEE का, तो इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे ये मोर ऑफर्स लिखा हुआ है, मोर ऑफर्स पे जाओगे और यहाँ पे आपसे कूपन कोड मांगा जाएगा और वहां पर आपको फिल करना है
Y774। जैसे ही आप Y774 टाइप करते हो, इस पे अप्लाई कर देना, तो आप देखोगे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है और ये बैच ओनली 758 का हो गया। सिर्फ 750 रुपये में आप झारखंड जे की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसके साथ ही और भी बैचेस हैं, मैंने एक खोल के दिखाया है आपको, बाकी सब एग्जाम्स भी इसी प्रकार से आप परचेज कर सकते हो। आपको कोड यूज करना है Y774, इसमें आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है, 78% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हो। तो गाइज, अब आपसे मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स थे आज क्लास के अंदर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मुलाकात करेंगे दोपहर 11 बजे, सुबह में 11 बजे फिर से ये क्लास होती है, उसमें GS करवाया जाता है, GS प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो उसमें आप सभी को जरूर आना है। और करंट अफेयर की क्लास का टाइमिंग सेम है, सुबह 8 बजे। तो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर।